पैरेलल एडर्स है, आज हम करेंगे रिड्यूस द ये लुक अहेड कैरी एडर। तो हर एक को ये स्लाइड जो है ये विजिबल है, पैरेलल एडर्स जिस पे लिखा हुआ है, और सबको आवाज आ रही है क्लियर? यस सर, ठीक है। यस आप सर। लोगों का ये लैब का मिट कब है? सर ये सर इसके है, फौरन बाद है, इसके फौरन बाद इसके फौरन बाद किस वक्त? सर 10:15 पर आई थिंक। 10:15 पे। अच्छा चलिए, मैं फिर कोशिश करूंगा आपको थोड़ा सा जल्दी फारिग कर दूंगा आज। जी सर, थैंक ओके यू। okay. अच्छा तो हम लोगों ने लास्ट टाइम ना जो एडर किया था उसको हम लोग कहते हैं रिपल कैरी एडर। तो रिपल कैरी एडर में ये प्रॉब्लम थी कि उसमें कैरी जो है वो हर एडर पहली बिट का कैरी दूसरी बिट के एडर में जाता है, फिर तीसरी बिट में, फिर चौथी में। तो जब तक वो तमाम जो लेवल्स हैं, जितनी बिट्स हैं, उनके एडर से गुजर नहीं जाता, तब तक आपको फाइनल सम नहीं पता लगता कि आपका आंसर क्या है। इसका ड्रॉबैक क्या है कि इसमें टाइम लगता है बहुत ज्यादा, क्योंकि हर कैरी जो है वो दो गेट्स में से गुजरता है। तो अगर 32 बिट्स हैं तो वो 64 गेट्स में से गुजर के कैरी जो है वो फाइनली आपको बताता है कि आपका सम क्या है। तो चूंकि इसमें डिले होती है और एडिशन एक ऐसी चीज है जो हम चाहते हैं कि बहुत क्विकली हो, तो इस तरह से फिर लोगों ने ये लुक कैरी जो है ना, लुक अहेड कैरी एडर बनाया। तो लुक अहेड कैरी एडर जो है वो ये हमने कल भी देखा था कि हमने डिफाइन किया कुछ टर्म्स को, कि हमने कहा कि C0 जो है, जो हमारा कैरी है, सॉरी C0 कह रहा हूँ, जो हमारा कैरी है Ci+1, इसको हमने किया Gi+PiCi। ये हमारा कैरी जनरेट हो रहा है, ठीक है, और ये कैरी किसना जनरेट हो रहा है, इट इज इक्वल टू Pi+Gi। Pi और Ci यहाँ से आ रहे हैं, तो ये आपका Pi आ गया और जो Ci है इनपुट कैरी वो यहाँ से आ रहा है, तो ये एंड कर देता है और फिर ये और होता है Gi के साथ। और Gi क्या है, पहली जो भी आपके Ai Bi बिट्स हैं उनका जो जो कैरी है वो। तो ये हमने डिफाइन कर दिया कि हम कैरी को लिख सकते हैं Ci+1 इज इक्वल टू Gi+Ci। C0 को हम कह देते हैं हमारा इनपुट कैरी है, वो जो इनपुट से आ रहा है। सो अगर इसको मैं जीरो कर दूं तो ये मेरा इनपुट कैरी है। C1 को मैं लिख सकता हूं इसी फॉर्मूले के मुताबिक, C1 विल बी G0+P0C0, ठीक है, क्योंकि आई यहाँ पे जीरो है, तो ये C1 जो है ये बन जाए, C1 लिखने के लिए आई को जीरो करना होगा, तो आई को मैं जीरो करूंगा तो ये बन जाएगा G0+P0। इस तरह से C2 को मैं लिख सकता हूं इसी फॉर्मूले से, G1+P1। C3 को मैं लिख सकता हूं G2+P2C2। अच्छा, अब जब मैंने C2 लिखा कि C2 इज इक्वल टू G1+P1, तो इसमें मैं C1 की वैल्यू पुट कर सकता हूं। C1 की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैंने ये वैल्यू इसके अंदर डाल के इसको सिंप्लीफाई किया, तो मेरे पास C2 कैरी 2 बिट 2 जो है उसका जो कैरी 2 है वो आ गया G1+P1G0+P1P0C0। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात नोट करने वाली है वो ये है कि इसमें आप देखें कि कैरी सिर्फ C0 आया है, C2 में C1 का कैरी नहीं आया, C1 का कैरी खत्म हो गया है, तो ये सिर्फ C0 पे डिपेंडेंट है C2। इसी तरह से C3 जो है उसमें मैं C2 की वैल्यू डाल दूंगा, तो C2 की मैं वैल्यू डालता हूं तो मेरे पास ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाता है। इस एक्सप्रेशन में भी आप देखें कि कोई कैरी नहीं है सवाए C0 के, तो C3 भी मैं जनरेट कर सकता हूं अगर मुझे C0 बताओ। इसी तरह से C2 भी जनरेट कर सकता हूं अगर C0 बताओ, C1 भी कर सकता हूं अगर C0 बताओ, और C0 मेरा इनपुट कैरी है जो मुझे पता होता है। तो 4 बिट्स के लिए तो मैं ऐसा जनरेट कर सकता हूँ, इसको मैं कंटिन्यू भी कर सकता था कि अगर मुझे C4 चाहिए होता तो C4 होता G3+P3C3, और फिर C3 की मैं ये वैल्यू डाल देता तो वो भी इंडिपेंडेंट हो जाता। तो हम लोगों ने किया क्या है कि हमने कैरी को इंडिपेंडेंट कर दिया है, कैरी सिर्फ आपकी इनपुट बिट्स पे डिपेंड कर रही है, वो अगली स्टेज के कैरी पे डिपेंड नहीं कर रही। तो अब ये जो कैरीज हैं C1 C2 और C3, इनके इनको जनरेट करने के लिए मैं ये सर्किट्स बना सकता हूँ। इन ये जो सर्किट है ये यहाँ पे C1 जनरेट कर रहा है थ्रू P0 G0 C0, ये C2 जनरेट कर रहा है और ये C3 जनरेट कर रहा है, ठीक है, ये वाला सर्किट। तो C3 की ये लंबी सी जो इक्वेशन थी इसको जब हमने यहाँ पे डाला तो
तो ये C3 का सर्किट बन गया, ये C2 का और ये C1 का। तो इसको हम लोग कहते हैं लॉजिक डायग्राम ऑफ लुक अहेड कैरी जनरेटर। तो ये क्या है, ये सम नहीं जनरेट कर रहा है, ये सिर्फ कैरी जनरेट कर रहा है लुक अहेड, यानी इसको आप बिट्स दे दें जो आपकी सम है और जो बिट्स का बनता है कैरी वो आप इसको दे दें तो ये आपको सारी बिट्स के आगे के कैरी जनरेट करके दे देगा। यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई अगर क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। यस सर, क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब हम इस लुक अहेड कैरी जनरेटर को आगे इस्तेमाल करेंगे। तो हमने क्या किया कि हमने एक सर्किट बना लिया यहाँ पे कैरी लुक अहेड जनरेटर। ठीक है, ये इसके इनपुट्स वही हैं P0, G0, P1 सारी की सारी, और ये इनपुट्स जो हैं ये कहाँ से आती हैं, ये इन सर्किट से आती हैं, ये जो हमारे सम और कैरी के हाफ एडर्स हैं। तो मैंने जो मेरी चार बिट्स थी वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी, A3, B3 और A0, B0। ये मेरा C0 है जो कैरी इन था, ओके, और इसने ये मुझे सारे कैरीज उसी वक्त जनरेट करके दे दिए, C2, C3, ठीक है, और उस कैरी को फिर मैंने एक्सक्लूसिव और गेट के साथ गुजारा तो मेरे पास सम आ गया। तो ये मेरे पास सम की बिट्स आ गई S0, S1, S2 एंड S3। तो ये क्या कर रहे हैं कि जैसे ही आप इस पे दो बिट्स अप्लाई करेंगे साथ ही आपको सम और फाइनल कैरी आउट दे देगा। ये इसको रिपल नहीं करना पड़ेगा एक से, जिस तरह से पहले ये रिपल करके इस तरह जाता था, अब ये डायरेक्टली वैल्यू दे देगा। तो इसका फायदा क्या है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, बजाय इसके कि चार बिट्स जो हैं वो चार एड्रेस में से गुजर के आपको फाइनल कैरी पता लगे, ये इमीडिएटली आपको कैरी दे देगा। तो चार बिट्स में तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लेट से आपका कंप्यूटर है उसमें 64 बिट के दो नंबर्स हैं जो आपने ऐड करने हैं, तो अगर आप लुक अहेड नहीं करेंगे और आप रिपल करेंगे तो वो कैरी जो है वो 64 एडर्स में से रिपल होगा और जाएगा, तो हर एडर की डिले ऐड होती जाएगी। तो दो नंबर को आप ऐड करेंगे तो आधे घंटे के बाद आपका रिजल्ट आएगा, इसमें आपको रिजल्ट इमीडिएटली आ जाएगा। तो ये था लुक अहेड कैरी एडर। इस पे अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं जी, सबको क्लियर है तो बता दें, यस बोल दें। यस सर, क्लियर है सर, अगर बाकी लोगों को भी क्लियर है जी। क्या क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ अगर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आएगा तो किस तरह आएगा एग्जाम, मसलन एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरह का आ सकता है कि आपको कहा जाए कि आप C1 और C2 और C3 के ये इक्वेशंस बनाए। ठीक है, ठीक है ना, तो आपको हो सकता है ये सर्किट दे दिया जाए या आपको कहा जाए कि ये सर्किट बनाए और उसके बाद लुक अहेड बनाए, इस तरह का आ सकता है। सर जी, इनको सर इन इक्वेशन को याद करना है, बिल्कुल ये इनका पिताजी का है। क्यों क्यों ओ भाई, लॉजिक ही तो समझाइए, लॉजिक है तो ये कर रहे हैं, याद क्यों करना है। ये है इक्वेशन आपकी, ये इक्वेशन कहाँ से आई है, ये इक्वेशन इस गेट से आई है, इसमें याद तो आपने कुछ भी नहीं करना है ना, याद कुछ नहीं करना है। ये देखो, ये इक्वेशन थी, ये आपका सिंपल फुल एडर है, फुल एडर तो आपको आता है ना, तो फुल एडर का कैरी आउट कहाँ से आता है, ये होता है फुल एडर का कैरी आउट। ठीक है, जब आपके पास ये इक्वेशन आ गई तो आगे, तो फिर ये इक्वेशन आ गई आगे, तो इसमें आपने वैल्यूज डालनी है, आई की वैल्यू 0 डालें, 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें, आपके पास ये इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके सर, यस सर, यस सर। रटा वटा कुछ नहीं होगा, मेरे पेपर में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि रटे पे बेस्ड होगी, जो भी चीज होगी वो आप अगर लॉजिकली आपने सर्किट को समझा हुआ है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे, अगर आपने लॉजिकली नहीं समझा हुआ तो आप नहीं अटेंड कर सकेंगे। तो आपने चीज को समझने पे जोर देना है, रटा वटा कोई नहीं लगाना। अच्छा, आगे हम चलते हैं, ये एक टॉपिक अभी कर लेते हैं ताकि या सब्ट्रैक्टर तक, फिर मैं आपका जबरदस्त है पेपर राज जी। यस सर, यस सर, यस सर, चले मैं फिर आप लोगों को कोशिश करता हूँ 10 मिनट में और फारिग कर दूं, फिर आपको तैयारी कर लें उसकी। अच्छा, अब हम लोगों ने नॉर्मल बाइनरी एडर तो बना लिया, बाइनरी एडर में तो कोई मसला नहीं था, दो नंबर्स हैं आप उनको ऐड करें आपको आंसर मिल जाता है। अच्छा, अब कई जगह पे हमें कंप्यूटर सिस्टम्स में BCD एडर्स बनाने होते हैं। अच्छा, BCD एडर जो होता है वो आपको पता है कि वो 4 बिट का होता है BCD नंबर, तो और लेकिन जो एक 4 बिट्स में आप 9 से ऊपर नहीं जाते, आप 9 तक हैं
और 9 से ऊपर अगर कोई भी चीज हो तो वो आपकी एरर के अंदर आ जाती है. तो अगर आपने 19 बनाना हो तो आप 1 और 9 लिखते हैं, 19 नहीं लिखते, 1 चार बिट्स में 1 लिखते हैं और फिर अगली चार बिट्स में 9 लिखते हैं. इस तरह से अगर 348 करना हो तो चार बिट्स में 3 लिखेंगे, चार बिट्स में 4 लिखेंगे, चार बिट्स में 8 लिखेंगे, क्योंकि 348 आप नहीं लिख सकते, 9 से ऊपर नहीं जाता. तो हम लोग अब एक चाह रहे हैं बीसीडी एडर बनाना, ठीक है. सो बीसीडी एडर की रिक्वायरमेंट ये है कि उसकी दो इनपुट्स होंगी, चार बिट्स की होंगी. एक इनपुट होगी x0, x1, x2, x3 और y0, y1, y2, y3. ये इसके सम आ जाएंगे, s0, s1, s2, s3 और एक उसका कैरी आउट आ जाएगा. तो अब इसका लंबा सा एक ट्रुथ टेबल बनता है कि आपके जो दो नंबर्स हैं हमें उनको एग्जॉस्टिवली ऐड करना होगा हर कॉम्बिनेशन को, और हमें सम बताना होगा कि क्या है. तो सबसे पहले हम करेंगे 0+0, तो ये इनपुट्स हो जाएंगी 0, 0, सम 0 हो जाएगा, कैरी आउट 0 हो जाएगा और सम की ये जो चार बिट्स हैं ये 0 रहेंगी. फिर हम करेंगे 0+1, तो ये नंबर 0 होगा, ये 1 होगा, सम 1 हो जाएगा, कैरी आउट 0 हो जाएगा और सम लिखेंगे इस तरह 0+1. तो इसको हम लेके चलते रहेंगे टिल वी गो टू 0+9, यानी एक नंबर अभी 0 ही है, दूसरा नंबर हमने उसको साइकिल किया है 0 से लेके 9 तक. तो ये तो अभी 0 ही रहेगा, ये वाला हो गया 9, सम आपका हो जाएगा 9, सम इस फॉर्म में आ जाएगा. अच्छा, अब इससे आगे अब आप नहीं जा सकते, क्योंकि इससे आगे फिर जो आपका जो सम है वो 9 को एक्सीड कर जाएगा. अगर सम 9 को एक्सीड करता है तो ऑब्वियसली आपका सम गलत है या आपका आंसर गलत है, क्योंकि वो फिर बीसीडी नंबर नहीं रहा. तो हम इसको 9 तक लेके जाएंगे. उसके बाद हम अगला कॉम्बिनेशन होगा 1, यानी पहला नंबर जो था, पहले हमने एक्स को 0 किया था, अब हम एक्स को 1 कर देंगे और फिर दोबारा इसको लेके चलेंगे. अब इस केस के अंदर 1+8 तक ये 1 है, ये 8 है, तो आंसर 9 है, ये ठीक है. अब 9 के बाद अगर मैं 1+9 करता हूँ, 1+9, तो आंसर मेरा आ जाता है 10, ठीक है, ये आंसर है 10. तो 10 इनवैलिड कोड है, 10 को हम इस तरह नहीं लिखेंगे, 10 को हम लिखेंगे 1 और 0 करके बीसीडी में, और ये चार बिट्स ये होनी चाहिए और फिर चार बिट्स इसकी होनी चाहिए, तो 1-0 के तौर पे लिखा जाता है. तो ये इसने जो, लेकिन बाइनरी में जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ये भी 10 है, बट दिस इज नॉट बीसीडी, दिस इज बाइनरी, राइट. सो इसको हम इनवैलिड कह देंगे. उसके बाद फिर आगे हम इसी तरह चलते रहेंगे 2+0 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो यू गेट द आइडिया. आखिरी जो नंबर हमारे पास आएगा वो होगा 9+9. 9+9 का आंसर जो है वो 18 आता है, वो भी सही नहीं है, जो बीसीडी वैल्यू है वो भी सही नहीं है, तो ये जो है ये सारी आपकी गलत हो जाएगा. तो हम लोग अब क्या करेंगे कि हम जो है ये वो ये दिखा रहे हैं कि असल में आपको अगर आपने 9+0 किया तो ये तो ठीक है, 9 आ गया, इसमें कोई मसला नहीं है. 9+1 जब आपने किया तो ये 9 था, ये 1 था, आपका आंसर 10 बनता है. ये एक्चुअली 10 इस तरह लिखा जाता है बाइनरी में, लेकिन आपने इसको इस तरह नहीं लिखना, आपने इसको ये आउटपुट देनी है आपने बीसीडी में. बीसीडी में 10 किस तरह लिखेंगे, इस नंबर को 1 करेंगे और इसको 0 करेंगे, ठीक है. तो ये आपका 10 लिखा जाएगा और बाइनरी में ये क्या बनता है, 16. ये नंबर अगर मैं बाइनरी नंबर के तौर पर देखूँ तो ये 1, 2, 4, 8, 16, तो ये 1 है, तो ये एक्चुअली 16 बन जाता है बाइनरी में, लेकिन बीसीडी में इस तरह लिखा जाएगा. इसी तरह से 11 जो है बाइनरी में इस तरह लिखा जाएगा 1011, लेकिन बीसीडी में लिखा जाएगा 1 और 1, और 1 और 1 को अगर मैं बाइनरी में दोबारा रीड करूं तो ये 17 बन जाता है, ठीक है, एंड सो ऑन. सो ये हमारा आखिरी नंबर होगा 9+9. 9+9 जो है वो हम 9+9 किस तरह लिखेंगे, आंसर 9+9 18 आता है, तो 18 को हम किस तरह लिखेंगे, इसको करेंगे 8, ये यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक, हाँ यहाँ पे 8 हो जाएगा और ये जो है ये 1 हो जाएगा, और बाइनरी में ये नंबर है 24 के कितने, ठीक है.
यहां तक क्लियर है? किसी को कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? टेबल किस तरह बना है? नो सर। सर ये बीसीडी वाले में आपने बताया था कि जैसे ही नंबर 9 से ऊपर होता है तो उसमें 6 ऐड करते हैं, ये वही वाला है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब ये जो है ना ये नहीं, ये आंसर्स वैसे तो गलत हैं, लेकिन हाँ अगर हम इसमें 6 ऐड कर दें ना, जो भी हमारा नंबर जब 9 से ऊपर हो उसको हम 6 ऐड कर दें, तो जो बाइनरी नंबर बनता है उसको जब मैं लिखता हूँ ना तो वो करेक्ट बीसीडी नंबर बन जाता है। यानी कि अगर मेरा आंसर 18 आ रहा है उसमें मैं 6 ऐड कर दूं तो 24 बन जाता है। 24 को जब मैं बाइनरी में लिखता हूं तो वो बनता है 00011000। ठीक है, तो ये बीसीडी में ये है 18 क्योंकि ये 18 है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं एक सर्किट बना लूं जो ये डिटेक्ट कर ले कि मेरा सम 9 से ऊपर है, अगर मेरा सम 9 से ऊपर है तो वो उसमें 6 जमा कर दे, जब वो उसमें 6 जमा कर देगा तो मेरा आंसर फिर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है ना, तो यहाँ पे 17 था, 17 में मैं 6 जमा करता हूँ तो 23 बनता है, 23 को मैं जब बाइनरी में लिखता हूँ तो यून लिखता हूँ तो वो 17 बन जाता है बीसीडी में दोबारा से। सर ये तो फिर से बाइनरी, सर ये तो फिर से बाइनरी के ऊपर वर्क हो गया ना, ये तो फिर से बाइनरी के ऊपर वर्क हो गया बीसीडी फिर। नहीं, ये जो आंसर है, अब मुझे बीसीडी का आंसर इस फॉर्म में चाहिए, ये आंसर करेक्ट है ना? ये बीसीडी में क्या नंबर है? बीसीडी में ये 17 है, ये 1 है और ये 7 है, तो बीसीडी में मैं इसको 1 और 7 के तौर पे लिख रहा हूँ। बाइनरी में ये 23 है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ एक्सक्यूज मी सर। जी जी पूछिए सर। शाम तो ये हो गया ना कि 2 वैल्यूज को प्लस किया, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। अब ये वैल्यू, तो ये वैल्यू 16 का क्या मतलब है? वैल्यूज लिखी हुई है 10, नहीं उसने कहा कि ये 10 आ गया। अब 10 को आपने बीसीडी में लिखना है। ठीक है, बीसीडी में 10 किस तरह लिखा जाएगा? इस तरह, मैं इसको एक सेकंड क्लियर करता हूँ। देखेंगे 10 था, ठीक है, 10 बीसीडी में किस तरह लिखते हैं? इस तरह लिखते हैं 1 0। ठीक, इसी तरह लिखते हैं ना, तो आपको 8 बिट्स चाहिए। अब अगर इसको मैं बाइनरी नंबर के तौर पे रीड करूं, बीसीडी के तौर पे ना रीड करूं, तो ये बाइनरी में ये 16 है, क्योंकि बाइनरी में ये 1 2 4 8 16 ये 1 है, तो इसका ये मतलब है कि बाइनरी में ये 16 है, बीसीडी में ये 10 है। ओके सर। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि अगर आप 10 में 6 ऐड कर दें तो आपका आंसर 16 आ जाता है, तो 16 अगर आप लिखेंगे तो वो बीसीडी में करेक्ट होगा क्योंकि वो 1 वो 10 होगा। ठीक, समझ आ गई? यानी मैं 10 लूं, बीसीडी का 10 लूं, उसमें 6 ऐड कर दूं, 16 बन जाएगा, 16 को मैं बाइनरी में लिखूं तो ये इस तरह लिखा जाएगा, तो ये बीसीडी में 10 होगा, तो बीसीडी में 10 होगा, बाइनरी में 16 होगा, तो मैंने 6 ऐड कर देने इसके अंदर, ये वो बता सर। सर जरा इसका दोबारा बता दें कि ये अगर 2 प्लस 2 हो, मतलब 9 से कम हो, 10 से तब तो कोई मसला नहीं ना। देखो अगर आपका 2 प्लस 2 है, ठीक है, लेट्स से 1 प्लस 1 है यहाँ, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, आंसर 2 आ गया। 2 तो आपने इसी तरह लिख दिया, बीसीडी में 2 और बाइनरी में 2 बराबर है, 9 तक तो बीसीडी और बाइनरी बराबर है ना? ओके सर। बीसीडी में 9 उसी तरह लिखते हैं जैसा बाइनरी में लिखते हैं, मसलन यहाँ पे ये 9 है तो ये बीसीडी में भी ऐसे ही है, बाइनरी में भी ऐसे ही है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब तक आपका सम 9 या इससे कम है आपको कोई मसला नहीं है, आपका बाइनरी और बीसीडी इक्विवेलेंट है। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब आंसर 10 या इससे ऊपर होता है, उसमें बीसीडी का कोड और हो जाता है, बाइनरी का कोड और हो जाता है, तो हमने कोड तो बाइनरी के जनरेट करने हैं, तो हमने भी ये देखना है कि बाइनरी का कौन सा कोड बीसीडी पे करेक्ट होता है, तो वो पता लगता है कि बीसीडी में 6 ऐड कर देना तो जो बाइनरी का 16 बन जाएगा, तो 16 का बाइनरी कोड बीसीडी के 10 के बराबर है, इसी तरह 17 का बाइनरी कोड बीसीडी के 11 के बराबर है, 18 का बाइनरी कोड बीसीडी के 12 के बराबर है, ये मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा सर, अब ना ये बेसिकली अगर मैं 6 ऐड कर दूं,
अब मैं इसका जो है ना बनाता हूं। सबसे पहले तो एक सर्किट जो ये डिटेक्ट करेगा कि मेरा रिजल्ट 9 से ऊपर है या 9 से कम है, ठीक है। अगर 9 से कम होगा तो वो आउटपुट पे मुझे 0 देगा, यानी सब मेरा 0 है तो वो 0 देगा, 1 है तो 0 देगा। 9 तक ये 9 है नंबर, 1 2 4 8, तो 8 + 1 9, वो 0 देगा। अच्छा, जब जैसे मेरा सम 9 से ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पे ये है 10, 1 2 4 8, 8 + 2 10, वो मुझे 1 दे देगा। 11 पे भी 1 दे देगा, टिल मैं इस पे आता हूँ 1 2 4 8, तो ये 15 के ऊपर भी मुझे 1 देगा। तो सबसे पहले तो मैंने एक सर्किट बनाना है जो ये डिटेक्ट करे कि मेरा सम 9 से ऊपर है या 9 से नीचे। अगर 9 से नीचे है तो वो 0 दे, और अगर 9 से ऊपर है तो वो 1 दे। तो ये मेरा ट्रुथ टेबल बन गया। ये मेरे 4 इनपुट्स हैं और ये मेरी आउटपुट है एक एरर के नाम से। तो मैंने इसका ट्रुथ टेबल बनाया जहां जहां ये 1 था जिन कॉम्बिनेशन पे ट्रुथ टेबल उसी तरह बनता है। यहाँ पे आपका आ जाएगा S1 S2, यहाँ पे आ जाएगा S3 S4, ओके 0 0 0 1, एंड ऑन। सो ये मैंने वंस पॉपुलेट कर दिए, उसके बाद मैंने इनको कंबाइन किया। इन चार को मैंने एक आन ऑफ मैप किया, इन चार को मैंने इस तरह कर दिया। दो इक्वेशंस मेरे पास आ गए, तो मैंने कहा मेरा एरर सिग्नल का जो बूलियन फंक्शन है वो है S3 S2 + S3 S1। इस सर्किट को मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। S3 S2 जो भी था, ये वाला जो मेरा सर्किट है, ये मेरा एरर का सर्किट बन गया। तो ये क्या करता है, जब तक तो मेरे दोनों नंबर्स जो हैं बीसीडी, जो मेरा सम है वो 9 से नीचे है, तब तक मुझे कोई मसला नहीं, मेरा बीसीडी सम नहीं है, तो वो मुझे यहाँ पे एरर को 0 रखता है। जैसे सम जो है वो 9 से एक्सीड करता है, एक तो वो एरर को 1 कर देता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो एक और एरर है जिसमें वो ये वाला जो सम था इसमें 6 ऐड कर देता है। ये 6 ऐड कर रहे हैं, 6 क्यों ऐड करें कि एरर जब 1 है तो इन दो बिट्स के ऊपर 1 है, तो जो नंबर मैं इस बाइनरी एडर पे दे रहा हूँ वो है 0110, तो 0110 6 होता है बाइनरी में, ठीक है। तो वो इस नंबर को लेगा, इसमें 6 ऐड कर देगा और आपको करेक्ट सम दे देगा कि आपका जो सम है वो 9 से ऊपर है। क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। तो आप लोग अब तैयारी करें, आपके सब 10 बजे लैब का टेस्ट है, तो इंशाल्लाह फिर हम बाकी जो है वो कल कर लेंगे, ठीक है। एंड गुड लक। और दूसरी बात क्या है, चीटिंग ना करें। आज रोजा भी है, रोजा भी रखे हुए हैं आप लोगों ने, कम से कम रोजे में आपको चीटिंग नहीं करनी चाहिए। इंशाल्लाह आप खुद करें, और कोई बात नहीं। अगर आपका ब्रांड है, मार्क्स आपके नहीं भी आते तो कोई मसला नहीं होता, आप अपने आप प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, क्योंकि कल को आपने नंबर थोड़ी लेने हैं, आपने तो इंडस्ट्री में जाके कंपीट करना है लोगों के साथ, तो वो तो आपको कुछ आता होगा तो आप करेंगे, तो देखें खुद करके कि आप कहाँ पे सेंड करते हैं। चलें, गुड लक, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।